हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक ट्रेली का स्थिति है। इसका इंजन सर्विसिंग करेंगे, क्या चेंज करेंगे, एक इसका फिल्टर चेंज करेंगे, दूसरा इंजन ऑयल चेंज करेंगे और तीसरा घंटा जो है ना, आप हमेशा ध्यान में रखिए, बार बार जितना इसका मेंटेनेंस करेंगे उतना अच्छी तरह से चलेगा, माइलेज देगा। जय हिंद। इंजन ऑयल यामाहा का ओरिजिनल मोबिल है ये, जो शोरूम से लाए हैं। एयर फिल्टर भी यामाहा से लाए हैं, दोनों चेंज करेंगे। यामाहा का गाड़ी है, इसको अच्छे से सर्विसिंग देना ज़रूरी है, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम करेगा। ये गाड़ी बहुत अच्छा है, इसको मेंटेनेंस जितना करेंगे उतना ही सही चलेगा। पहले एयर फिल्टर लगाएंगे और उसके बाद मोबिल ट्रेन करके हम फिलअप करेंगे। बैक साइड में 6 स्क्रू है और इसमें एयर फिल्टर लगा हुआ है, तो इसको स्क्रू को खोलते हैं। जो इसका फिल्टर वगैरह कुछ इस टाइप से झाड़ देंगे, यहाँ पे फिल्टर वगैरह झाड़ते रहें, क्योंकि फोलियरी एरिया ना, आपकी फिल्टर वगैरह चौक हो सकती है। जितना ये बढ़िया फिल्टर साफ रहेगा तो आपकी पिकअप बनी रहेगी गाड़ी का। अभी 1 महीने पर 1.5 महीने पर इसको साफ करते रहेंगे, 10 दिन 15 दिन पे उसको साफ करते रहिए। अगर फिल्टर वगैरह साफ रहेगा तो आपकी गाड़ी का पिकअप अच्छा बना रहेगा। ये साफ हो गया, अच्छी तरह से अंदर का जो है वो साफ कर लेंगे। देखिए एसी एलिमेंट का ये कवर है पूरा, इसको लगा देंगे। यहाँ पर लॉक है 2-3, उसमें लगा देंगे अच्छी तरह से। तरह से हो गया, अब इसमें क्या करेंगे, ये जो फिल्टर है इसको चेंज करेंगे, यहाँ पैसे डालेंगे, कुछ इस टाइप से हो गया। अब इसको लगाएंगे, यहाँ मेरा फिल्टर देखिए यहाँ पे पूरा गंदा हो गया था, ये पुराना वाला है, ये नया वाला है। ऐसे ये खराब नहीं है फिर भी इसको चेंज कर देना बहुत ज़रूरी है। आप अपने घर में भी ये कर सकते हैं, कहीं मैकेनिक के पास जाने की जरूरत नहीं है। 1500 इसलिए कर देते हैं फ्रेंड की गाड़ी का जो माइलेज वगैरह हो, पिकअप वगैरह है, सिलेंडर वगैरह जो भी इसका है, वो लुब्रिकेंट अच्छे से हो और कोई परेशानी ना हो बाद में किसी प्रकार का धुआं वगैरह का, इसलिए गाड़ी का मेंटेनेंस आप करते रहें, अच्छा रहेगा। 2000 भी कर सकते हैं, 2500 में कर सकते हैं, तो ज़्यादा रिक्स नहीं लेने का। 5 साल का गाड़ी हो गया फिर भी कुछ किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। एयर फिल्टर चेंज कर दिए अच्छी तरह से, और ऐसे भी ये ख़राब नहीं लग रहा, बट इसको चेंज कर दिए, क्योंकि एयर फिल्टर बार बार चेंज करना ही चाहिए इसको, मतलब साफ नहीं करना चाहिए। यहाँ पर कुछ इस टाइप से लिखा भी होगा, यहाँ पर देखिए, डू नॉट क्लीन एयर फिल्टर, रिप्लेस इट अकॉर्डिंग टू मेंटेनेंस शेड्यूल। यहाँ पर देखिए, बदलने में ही फ़ायदा है, आपके इंजन में भार नहीं पड़ेगा और अच्छी तरह से पिकअप माइलेज देगा। और फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं इसका ड्रेन फ्लक है, यहाँ से मोबिल ड्रेन होगा इंजन ऑयल, यहाँ से ये देखिए ये वाला, और उसको ड्रेन करेंगे। 12 नंबर का ड्रेन प्लग है, उसको ड्रेन करते हैं इंजन ऑयल को, उसके बाद नया फिलअप करेंगे। कंपनी का उसी कंपनी का इंजन ऑयल डालें, क्योंकि ज़्यादा माइलेज और ज़्यादा अच्छा रहेगा। यामाहा का गाड़ी बहुत अच्छा है, इसका पिकअप वगैरह बहुत अच्छा, आप कोई भी स्कूटी चलाइए, यामाहा का स्कूटी चलाइए, आपको बहुत कंफर्टेबल फील होगा, ज़रा सा वाइब्रेशन नहीं है। और यहाँ पे 2 कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, एक पेचकस और दूसरा ये रिंच। आपको इससे भी एयर फिल्टर खोल सकते हैं, बट ये छोटा है, ये बड़ा है। इससे ये ड्रेन प्लग खोलते हैं, 12 नंबर का ड्रेन प्लग है, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में आसानी से कर सकते हैं। आपके पास अगर रिंच वगैरह भी नहीं है फिर भी हो जाएगा, तो ये देखिए यहाँ पर खोल रहे हैं ये, और जो ड्रेन होगा मोबिल इसको इसमें इस तरह से रख लेंगे। देखिए
हवा बहुत भी नहीं गिर रहा अब, यहाँ पे खाली हो गया पूरा। अब इसको ड्रेन प्लग को लगाएंगे। बोल्ट लगाने के बाद इसको अच्छी तरह टाइट कर देंगे। अब इसमें मोबिल नया वाला फिलअप करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ से फिलअप कर सकते हैं और मोबिल भी चेक कर सकते हैं। एक गेज दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, इसमें डालते हैं और देखिए, ये कागज़ का इस तरह से जुगाड़ लगा दिए कि मोबिल इसमें सब चला जाए। देखिए बिल्कुल नया है ये, और इसमें डाल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हो 800 ml इसमें डाल दिए। 800 ml जितना भी मोबिल था डब्बे में सब डाल दिए, और नया वाला मोबिल इस तरह से ये चेंज हो गया। अच्छी तरह से लगा देंगे, चेक करने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि अभी तो डाल ही रहे हैं जस्ट। और फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी फिल्टर होता है, और 1, 2, 3, 4, 5 ये सब साफ़ करते रहें। ये सब साफ़ करने से मशीन का जो पावर है अच्छा बना रहेगा। यहाँ पर देखिए, जो किक का स्टार वाला बोल्ट है उसको भी खोल रहे हैं। सारा बोल्ट खोलने के बाद ये किक वाला भी निकाल दिए हैं। उसके बाद ये निकालेंगे कवर को। निकालने के बाद यहाँ पर देखिए, कुछ इस टाइप से लगा हुआ है फिल्टर। ये यहाँ पर देखिए डस्ट फिल्टर है, अंदर नहीं जाने देता। तो इसको साफ़ करके फिर वैसे ही लगा देंगे। तो पहले तो इसको साफ़ करते हैं, देखिए कुछ इस टाइप से। तो देख सकते हैं जो फिल्टर था इसमें, उसको पानी से धो दिया और सूखने के लिए छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए। सूखने के बाद लगा देंगे। जितने भी डस्ट वगैरह थे सारे अच्छी तरह से धुल गया। यहाँ पर देखिए, ये सूखने के बाद इसको लगा रहे हैं। अब लगा देंगे। दो फिल्टर है, स्पंज वाला फिल्टर यहाँ पर एक हो गया, और दूसरा यहाँ पर लगाएंगे। देखिए यहाँ पे लग गया, डस्ट वगैरह अंदर नहीं जाएगा। उसके बाद ये इस कवर को लगा देंगे। और यहाँ पर ये जो बोल्ट है स्टार बोल्ट, इसको लगा दें।